अपने हाथ से मरोगी या मेरे हाथ से? Come on, baby. Up. कोई बचाओ। 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 बचाओ मुझे, मुझे बचा लो, बचा लो, बचाओ मुझे। आपका फॉरेन ट्रिप कैसा रहा मिस शेरी? बेशक शानदार था। मैं वाकई आप लोगों की एहसान मंद हूँ। नहीं नहीं, एहसान मंद तो मैं आपकी खूबसूरती का हूँ, यू नो। शुक्रिया। आपके घर वालों से ज्यादा तो हमारे बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा? यस, नेचुरली। आप क्या हैं ये आप खुद नहीं जानती। हाँ, विलायत से आने के बाद आपकी पोजीशन दुगनी हो गई है, आप मशहूर हो गई हैं। क्या कह रहे हैं आप? आप हकीकत से है, जल्दी वाकिफ हो जाएंगी। साहब ये कौन है? मिस इंडिया, मिस हो गई। मर गई क्या? पहले ये घूम घूम कर फोटो खिंचवाती रहती थी, अब मैं घूम रहा हूँ और उसकी फोटो। चलो भाग यार, भीड़ मत लगा। कल ही मुझे एयरपोर्ट पे मिली थी ये, जानते थे, और आज लेडीज एंड जेंटलमैन, ओब्राय फैब्रिक्स की शानदार मुकाबले में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस प्रोग्राम के खास मेहमान हैं कोई और नहीं, हिंदुस्तान के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर ओब्रॉय। ओब्रॉय ग्रुप ने विलायत जाने के लिए इन तीन हसीनाओं को इस खास मुकाबले से चुना है। उनके नाम हैं मिस शारदा डांसर, मिस स्वप्ना पॉप सिंगर और मिस राधा मॉडल ब्यूटी। Thank you.
लेडीज एंड जेंटलमैन, इन तीनों को अलग अलग देशों में भेजने का फैसला किया गया है। मिस शारदा जो कि एक खूबसूरत डांसर है, उन्हें अमेरिका भेजा जाएगा। मिस स्वप्ना सर आपका बच्चा है क्या, मशहूर पॉप सिंगर है, उन्हें जर्मनी भेजा जाएगा। और मिस राधा जो कि एक मॉडल ब्यूटी है, उन्हें फ्रांस भेजा जाएगा। और अब मिस ओबेरॉय स्टेज पर आकर इन तीनों को इनाम देंगे। थैंक यू। चल बच्चा चल चल। थैंक यू स्माइल प्लीज। अरे अरे भाई साहब इसको जरा पकड़ना ना, एक मिनट। अरे रुकना, अरे तू भी ना चल मेरे बाप। पेपर आपको कैसा लग रहा है सपना? हाँ फाइन, इट्स रियली नाइस। मैं काफी अरसे से फ्रांस आना चाहती थी, मगर इतनी जल्दी आऊंगी ये सोचा नहीं था। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अपनी फैमिली के सफर के लिए मैं आपकी और मिस्टर ओबेरॉय की शुक्रगुजार हूँ मिस्टर जॉन। Really, very nice. मैं काफी अरसे से फ्रांस आना चाहती थी, मगर इतनी जल्दी आऊंगी ये नहीं सोचा था। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर ओबेरॉय। हेलो, क्या आप दिलीप बोल रहे हैं? हाँ। मुझे पता था आप नहीं गए होंगे। इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? नाश्ता कर रहा हूँ सर। नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद तैयार होकर एयरपोर्ट जाएंगे। तब तक कोई और आकर तस्वीर खींच चुका होगा और आप मुंह लटका कर बैठे होंगे। Hi, how are you? Hi, Dilip. I'm fine. एक मिनट। अरे भगवान जल्दी आओ। माँ चलो। क्यों बेटी, सफर कैसा रहा? जब तक तुम नहीं आई मेरे पेट में आग लगी थी। पेट में क्यों आग लगी है? कैमरा समझाए क्या? डरो मत बेटी,
कुछ नहीं हुआ है, टक्कर जरूर लगी है लेकिन नुकसान नहीं हुआ है, एक खरोच भी नहीं आई है, ब्रेक है तो ऐसा है। थैंक यू। डोंट मेंशन, परफेक्टली ऑल राइट। क्यों बेटी, मेरी इंग्लिश सही थी ना? आप चुप रहिए डैडी, पता नहीं कौन है मुंह उठाए घर तक चला आया। अरे मैं जाने पहचाने, मेरी बात सुनिए, मैडम एक मिनट, अरे मेरी बात सुनिए, मैं फोटोग्राफर हूँ, एक मिनट, बस फोटो लेने आया था, मैडम एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तुम कौन हो? स्माइल, और तुम्हें अंदर आने किसने दिया? एक मिनट, स्माइल, यू स्टुपिड, डैडी, अरे अरे, और अगर एक भी तस्वीर ली ना, तो तुम्हारी जान ले लूँगी, आई सेड गेट आउट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक और ब्लैक एंड व्हाइट में तस्वीर खींचना बंद करो रास्कल, हाथ ऐसे ही, उसे जाने पहचाने बिना बकवास किए जा रहे हैं, और अगर एक भी तस्वीर ली ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी। यू डैडी, डैडी, वाओ क्या बात है। तो मेरे लगते क्या हो, बॉयफ्रेंड? नहीं। शोहर? नहीं। या मंगेतर? इनमें से कुछ भी बनने में कोई दिक्कत नहीं। स्माइल प्लीज। यू बॉनी, बॉनी इसे आगे काटो। ओ, 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 अरे अरे ये क्या कर रही है? अरे मैं को नहीं छोड़ना। अरे 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 काटेगा, अरे अरे कोई बचा मुझे, अरे अरे पागल है। ओ, ओ, अरे 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 कोई बचाओ, अरे अरे कोई बचाओ। स्माइल स्माइल, अरे सॉरी सॉरी, अरे वाह क्या पौधा, रुको ऐसा मत करो, पहले से ही घर में मुसीबत है, अब तुम आग में घी मत डालो। थैंक यू, चल भाग यहाँ से, तू कहाँ से आ गई? बिना मेरे मर्जी के मेरी तस्वीर कैसे छाप सकता है? हाल ही में मिस इंडिया जो कि विलायत से वापस लौटी थी, उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी तस्वीर लेने और उसे छापने की वजह से फोटोग्राफर और प्रेस पर केस किया गया है। अरे एक फोटो खींची तो वो कोर्ट चली गई, अब दूसरी फोटो खींचूंगा तो घर चली आएगी क्या? हाय हाय, हाउ वाज योर फॉरेन ट्रिप? ओह इट वाज वंडरफुल, लॉन्ग सिंस आई हैवंट सीन यू इन द ब्यूटी पार्लर, व्हाट हैपेंड? काफी डांस प्रोग्राम्स थे इसीलिए मैं नहीं आ सकी। अच्छा ठीक है, नो नो थैंक यू, यू कैरी ऑन। ओके, अरे पकड़ा गया, अरे अब तो मारेगी, भागो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, रास्कल, स्टॉप इट, रुक जाओ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। You brute!
सुनिए मेरी बात तो सुनिए। अच्छा दोबारा कभी मत करना। क्या डेवलप कर रहे हो? मोहब्बत या तस्वीर? चुप, यह डार्क रूम है, डार्लिंग रूम नहीं। फाड़ दूंगा सब कुछ। तुम्हें काम से ज्यादा प्यार जरूरी हो गया है, यह ठीक नहीं है। औरतों पर एतबार हरगिज मत करो। ये सब पैक कर दो और वैन में डाल देना। ओके सर। और कैमरा बैग में डाल दो। हाँ बाय। ओके बाय। बहुत थक गई ना? इट्स ओके। लेकिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी आज, बहुत काम अच्छा गया। घर जा रही हो ना? हाँ। मैं ड्रॉप करता हूँ। थैंक यू। प्लीज कम इन, आइए। ये मेरा घर है, बैठिए। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, आप बैठिए, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। कॉफी
ऐसे क्या देख रहे हो? ए, लड़की अंदर गई थी और औरत बाहर आई है। वो सिर्फ बाहर के लिए, घर में कोई ऐसा लिबास पहनेगा? कॉफी पीने लायक है ना? पी के देखिए। अरे वाह, ये तो काफी जायकेदार लगती है, बहुत अच्छी। किसने बनाई? मैंने। तुमने? वेरी गुड। घर पे और कौन कौन है? मैं और मेरी माँ। माँ को दमा है। ओहो, और डैडी? गैर औरत के पीछे पड़े हैं। इसी सदमे में माँ ने नींद की गोलियां लेनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से बीमार पड़ गए। माँ को भगवान पर बहुत विश्वास है, मगर भगवान ने कोई अस्पताल तो खोल नहीं रखा जहाँ उनका इलाज हो सके। ये बात तो आप मानते हैं? ये देखिए, ये बचपन में ली गई तस्वीर है, और उस वक्त कैमरे से मुझे डर लगता था। माँ ने मुझे पर्दे में रख के पाला है, और आज उन्हीं के लिए मैं ये मॉडलिंग का काम कर रही हूँ। ये मेरी मजबूरी है, शौक नहीं। हेलो दिलीप, अगर मेरी किस्मत होती तो किसी शरीफ खानदान की मैं बहू होती, इस तरह से मॉडलिंग नहीं करती मैं। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? ओह नो नो डैम इट नो, तुम अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए जीती हो। तुम न सिर्फ मॉडलिंग में नहीं बल्कि जिंदगी में भी अलग हो, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। बाय। और आगे से अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा भाई है तो कहना कि है, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूं। थैंक्स फॉर द कॉफी, सी यू। आओ। नहीं तुम जाओ, मैं आता रहा आते रहूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन पानी में ज्यादा देर मत रहना। लेकिन यहाँ कौन हो सकता है? नहीं दिलीप, वाकई कोई था, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आई कांट बिलीव दिस, प्लीज प्लीज दिलीप मुझे बचाओ। पहले बार आओ। तो मुझे यकीन क्यों नहीं करते? आओ। पानी में कोई है। देखो दिलीप, मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाओ। डोंट बी सिली, यहाँ कौन हो सकता है? यहाँ हम ही दोनों ही तो हैं। कौन है यहाँ पे? कोई नहीं। नो दिलीप, आई स्वेयर इट, पानी में कोई है। तब तो जरूर कोई डायनासोर होगा पानी में। तुम्हें हमेशा मजाक सूझता है। चलो। ए, ये क्या है? अब चलो भी, चलो चलो। अरे सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्या है ये? जब मैं अमेरिका गई थी, एक रोज स्विमिंग पूल में बेहोश होकर गिर गई। उस वक्त जो ऑपरेशन हुआ था ये उसी का निशान है।
और वहीं पर ओबेरॉय के आदमी ने हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराया था। अब समझ में आया, उस हादसे को तुम अभी तक भुला नहीं पाए हो, इसलिए हर स्विमिंग पूल को देखते ही तुम्हें वो याद आता है ना? बहुत थक गए ना आज। तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। जवानी जाने मन। इडियट। सॉरी, एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे एक्सक्यूज मी। हे बिग बॉस, कैसे हो? आजकल दिखते ही नहीं हो, शहर में नहीं हो क्या? मैं तो यही था। तुम कहाँ थी? अगले संडे तैयार है ना, मैं कार लेकर आता, तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। ओके, जाने मन। हाँ ठीक है, बाय। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, हिंदुस्तान के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर ओबेरॉय की 60वीं सालगिरह पर आप सबका स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं मिस्टर प्रकाश से मिस्टर ओबेरॉय को हार पहनाने की गुजारिश करूंगी। Give him a big hand. चलिए इस पार्टी का जश्न मनाते हैं। Could I speak to Mr. Dilip? क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन बोल रही हैं? I'm शारदा। शारदा, ओहो, दिलीप तो डार्क रूम में है। अच्छा, आप लाइन पे रहिए, मैं उसे थोड़ी देर में बुला देता हूँ। ओके दिलीप, तुम्हारा फोन। आओ जनाब आओ। कौन है सर? हमारा हीरोइन का फोन है। आया। हेलो। हाँ जानेमन, मैं ही हूँ। हाँ, तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया? हाँ बहुत अच्छे, और कोल्ड ड्रिंक्स पियो। हाँ और ठंडे पियो। हाँ डॉक्टर को देखो। लाइन में रहने के लिए बोलो, लाइन में रहने के लिए बोलो, उसे लाइन में रहने के लिए बोलो। बेटा, इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रांडी में काली मिर्च मिलाकर और थोड़ा सा नमक मिलाकर पीने के लिए बोल दो। बोलूं? हाँ। हेलो, मेरे बॉस क्या बोल रहे पता है? शराब में थोड़ा सी काली मिर्च मिला के उसके नमक डाल के नहीं, नमक डाल के कैसे सर? अक बनकर के घटक नहीं ले बोलो, घटक के पियो। कहाँ है तुम्हारे बॉस? हाँ यही है, एक मिनट देता हूँ। मैं बात करूँ क्या? हाँ प्रोप्राइटर बात कर रहा हूँ। आपको अक्ल है कि नहीं? आ? आप में शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? एक लड़की को शराब पीने की सलाह देते हैं? आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं या शराब खाने के दलाल? जी यहाँ है, यही है। बात कर लो। क्या कहा? धन्यवाद बोल रही है। लगता है काफी अच्छी तरह। जो मर्जी बोल दो। हेलो। हाँ दिलीप। हाँ आज मेरा जन्मदिन है। बर्थडे? हाँ आज। अरे बताया नहीं तुमने। बता दिया ना। ओके, मैंने हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। अच्छा और बोलो। हाँ यू शुड कम। थैंक यू। हाँ ठीक है। हाँ शाम को। हाँ या अरे पास में ही है। बाय। दोबारा बजा रही हो ना? तोड़ दूंगा, उठाऊंगा नहीं। ओप्पा। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? एलएल प्रोप्राइटर स्पीकिंग। नायलॉन फैब्रिक से बोल रहा हूँ सर। ओह नायलॉन फैब्रिक्स। हाँ यहाँ कोई फोन करके बार बार तंग कर रहा है, बुरा मत मानिएगा। बोलिए क्या बात है, कितने बजे प्रोग्राम रखे हो? 3 बजे रेडी है सर। शार्प 3 बजे? हाँ सर, दिलीप को जरा भेज दे। दिलीप चाहिए ना? डेफिनेटली मैं दिलीप को भेज रहा हूँ। ओके हाय।
हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. थैंक यू. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच. हाय. या एक मिनट. हाँ मैडम, आप जरा आप ऐसे हाथ ऐसे. हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे हाथ ऊपर. हाँ शारदा. अरे केक यहाँ काटना है और तुम वहाँ खड़ी हो, उस रिकॉर्ड ब्रेक लड़के का इंतजार कर रही हो, उसका कहीं ब्रेक फेल हो गया होगा. तुम यहाँ आओ. आपको हमेशा मजाक सूझता है. थोड़ा रुकिए डैडी, वो आ जाएंगे. क्या हुआ सर? क्या बात है? क्या हुआ सर? ये तुम्हारे लिए आया था, लग जाता तो जान चली जाती. लेकिन तुम्हारा कौन दुश्मन सकता है? LL प्रोप्राइटर स्पीकिंग. हेलो, मैं शारदा बोल रही हूँ. तुम्हारा फोन. या शारदा. शारदा शारदा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती. ओके ओके, मैं एक डांस प्रोग्राम के लिए आज शाम 6 बजे की फ्लाइट से सिलोन जा रही हूँ. 4:30 बजे निकल जाऊंगी. तुम एयरपोर्ट मत आना. 6 बजे की फ्लाइट है, 4:30 बजे निकल जाऊंगी. तुम वहां मत आना. टाटा भी मत करना. फूड भी मत लाना. 6 बजे की फ्लाइट है, 4:30 बजे निकल जाऊंगी. तुम वहां मत आना. लेकिन मेरी बात तो सुनो शारदा. 6 बजे की फ्लाइट है, 4:30 बजे निकल जाऊंगी. तुम वहां मत आना. 6 बजे की फ्लाइट है, 4:30 बजे निकल जाऊंगी. इतनी मायूस क्यों हो? क्या हुआ भाई? शारदा शाम की ये फ्लाइट से सिलोन जा रही है. ओ, उसने मुझे एयरपोर्ट आने से मना किया है, सी ऑफ करने से मना किया है, पोके लाने से मना किया है, बाय बाय करने से मना किया है. वो मुझसे इतनी नफरत करती है, मैं नहीं जानता था. ये सब क्या उसने कहा? पागल आया हुआ, तुमसे मोहब्बत नहीं करता. टेलीफोन में मैसेज थोड़ी देती. मत आने का मतलब आओ. फूल मत देने का मतलब दो. टाटा नहीं करने का मतलब करो. कितनी बजे की मैं एयरपोर्ट बुलाई है? 4:30 बजे.
और तुम कितने बजे आ रहे हो? कब? 4 बजे। छी, ऐसे थोड़ी जाते हैं। अच्छी तरह शेव करके, अच्छे कपड़े पहन के, आधे घंटे पहले जाकर वहां तुम्हें इंतजार करना है। तुम ऐसा करना, 2 बजे तक रेडी होकर रहना, 2:30 बजे मैं तुम्हें आके पिकअप करता हूँ। हम दोनों मिलकर एयरपोर्ट एक साथ जाएंगे। आप भी सर? मुझ पर यकीन नहीं आ रहा है। मैंने ये तय कर लिया है कि तुम दोनों को मिलवा कर मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। यस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। जीते रहो, जीते रहो। आपने कहा था 2:30 बजे आएंगे, इतनी देर से आ रहे हैं। अरे सही टाइम पर तो घर से बाहर निकला था, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई तो बच्चों ने धकेल के यहाँ पहुँचा है। तो क्या इसी गाड़ी से एयरपोर्ट जाएंगे हम लोग? तुम तो मेरी गाड़ी के बारे में जानते हो, भरोसा नहीं हो रहा है क्या? इसीलिए तो डर रहा हूँ सर। डरो मत, ज्यादा खराब ही नहीं है, हाथ लगाओगे तो फ्लाइट से पहले पहुँच जाएगी। बैठो, चलो एयरपोर्ट चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो लगाओ धक्का। अरे क्या कर रहे हो, पहले बैठो तो सही, जरूरत पड़े तो बाद में धकेल देना। अरे आगे से नहीं, आगे से नहीं, जाओ पीछे से। लगा के देखिए, प्लेन जा रहा है, अच्छे बजे आना था यहाँ पे। कर रहा है हर 10 मिनट में यहाँ से एक एक फ्लाइट। अरे मजाक कर रहे हैं आप, आपके भरोसे इस गाड़ी में आया था, अभी तक मैं भाग भाग के सैलून पहुंचाता। परेशान मत हो, मैं 10 मिनट में तुझे पहुंचा देता हूँ। आपने मेरी मोहब्बत को बर्बाद करके रख दिया, भाड़ में जाए आपकी नौकरी और आप। सर ये आपने जानबूझ के किया है, अपनी खटारा गाड़ी लाके मेरे प्यार को बर्बाद कर दिया आपने। मैं आपकी नौकरी से इस्तीफा देता हूं। आई रिजाइन, अंडरस्टैंड? आई रिजाइन। चल चल फुट ले। दिलीप, दिलीप हो ना? दिलीप देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। यू गेट आउट। हाँ गेट आउट, आई डोंट वांट दिस, गेट आउट प्लीज, लीव मी। ठीक है, उस लड़के को तुमने एयरपोर्ट में मिस करने के बाद जो दुख हुआ है, ऐसा दुख मुझे भी हुआ है। मैं होता तो क्या करता जानते हो? हर गम के बाप इस राम के 2 पैग चढ़ाकर अपनी रात को रंगीन बनाने के लिए इस सेक्सी नंबर पर फोन करता और फिर मैं डायरेक्ट उस हसीना के आशियाना पर पहुंच जाता। रात भर उससे अपने बदन की मालिश करवाता और रात भर उसके साथ डिस्को भांगड़ा करता। फिर सुबह होते होते मेरे बदन की सारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाती। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? पहले आप यहाँ से बाहर जाइए, प्लीज बाहर जाइए। फोन नंबर नोट करके रख लो, जरूरत पड़ गई तो। अरे मैं पागल हो जाऊंगा, आप बाहर जाइए प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सॉरी। और सुनिए, इसको भी लेके जाइए। जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात बता के जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अर्जुन का धनुष, भीम का गदा और दिलीप का दिल जैसा मशहूर है। दिलीप यार। दिलीप मेरी बात मानो, तुम्हारे दरवाजे पर मैं कंपनी की गाड़ी छोड़कर जा रहा हूँ। ये सब मैं तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम वहाँ चले जाओ। वो ऐसी कयामत है कि तुम्हारी जवानी जवान हो उठेगी, जाकर तो देखो। ये कयामत तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आने वाली नहीं है। ओके ओके, मैं एक डांस प्रोग्राम के लिए आज शाम 6 बजे की फ्लाइट से सिलोन जा रही हूँ, 4:30 बजे निकल जाऊंगी। तुम एयरपोर्ट मत आना, 6 बजे की फ्लाइट है, 4:30 बजे निकल जाऊंगी, तुम वहां मत आना। टाटा भी मत करना, फोन भी मत लाना, तुम वहां मत आना। जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले एक बात बता के जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अर्जुन का धनुष, भीम का गदा और दिलीप का दिल जैसा मशहूर है, वैसा ही इस हसीना की मालिश भी मशहूर है।
767 देखिए मैं एलएल का दोस्त बोल रहा हूँ। मैडम है क्या? मैं क्या मैडम, मैं इंस्पेक्टर कृष्णा बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर आप क्या कर रहे हैं? तुम कौन बोल रहे हो? यस मिस्टर दिलीप। आप मेरा नाम कैसे जानती है? अच्छा मैं वहाँ आता हूँ। नंबर 14 यूनाइटेड इंडिया कॉलोनी सरकुलर रोड। ओके बोलिए। नहीं मैं फ्लैट नंबर 14 में आया था, गलत आ गया। नहीं यही फ्लैट नंबर 14 है। यस कुछ देर पहले मैंने फोन किया था। फोन रिसीव करने वाली भी मैं थी और बात करने वाली भी मैं थी। कम इन ना। बैठिए ना, बैठिए। कोई बात नहीं। मैं देखिए मैं उसके लिए नहीं आया। उसके लिए नहीं आए हो तो फिर किसके लिए आए हो? मैं वो क्या बोलूँ मैं वो ओके आपका हाँ वही हाँ वही हाँ हाँ नहीं 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 उसके लिए नहीं उसके लिए नहीं हाँ नहीं उसके लिए नहीं। मिस्टर दिलीप यू टू क्रेजी। हंस क्यों रही है? कुछ नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हारे बॉस ने मुझे फोन किया था, मुझे तुम्हें खुश करना होगा, है ना? बिना तेल की गाड़ी और बिना एंटरटेनमेंट की जिंदगी में कभी कभी खराबी हो ही जाती है। मिस्टर दिलीप
कोई भी मायूस हो सकता है, लेकिन आपके जैसा जीनियस नहीं, उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो देखिए, इस साल के कॉम्पिटिशन में बेस्ट फोटोग्राफर अवार्ड आप ही को मिलेगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, थोड़ा सब्र करना चाहिए, अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा। चलो सेलिब्रेट करते हैं। दिलीप, 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 कहाँ से आ रहे हैं आप? वही मैं आपसे पूछ रहा था, लेकिन आप बड़ी जल्दी में थी, मैंने इसलिए बाथरूम हो के आ गया मैं। बाथरूम? वो तो इस तरफ है। वहाँ एक और है ना? वो तो बालकनी है। भाई मैं सोच रहा था वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे हो गए, अरे इसीलिए तो माफी चाहता हूँ, प्लीज सॉरी। कोई बात नहीं, वन मिनट। यस, व्हाट डू यू वांट प्लीज? व्हाट डू यू वांट? नॉनसेंस, मुझे समझ क्या रखा है? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? मौसम अच्छा तो ऊपर सोती हो और नीचे पानी गिराती हो। अरे नहीं नहीं, वो गर्म पानी नहीं, वो तो मैं वहां पे सॉरी। ठीक है ठीक है। हे डॉगी, जवान लड़की माफी मांग रही है, इसे माफ कर दो। गो बैक, हाँ गो बैक, कैरी ऑन। हे, ये क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ। पढ़ने के लिए आए हो? डोंट बी सिली दिलीप। अच्छा हुआ उसने उसे गर्म पानी समझा, नहीं तो बैठिए ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। बैठिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं अरे बैठिए। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। बाथरूम जा रहा था ना, जल्दबाजी में वो जिप मेरे हाथ में ही आ गई। जिप बालकनी? ओह नो, दिलीप यू टू क्रेजी। अच्छा मुझे दीजिए। आपका दे दो। अरे दीजिए ना, ये लीजिए। अच्छा पैंट उतारो। पैंट उतारो? हाँ हाँ पैंट उतारो। अरे अरे क्या बात कर रही हो? पैंट उतारो। अरे पैंट? दिलीप, अरे नहीं नहीं नहीं, दिलीप दिलीप, अरे नहीं बिल्कुल नहीं, उतारो दिलीप, मेरी बात मानो, खुद उतार दूंगी। अरे अरे कैसे लड़की हो तुम? हाँ दो मुझे। अरे मेरे पैंट छोड़ो। दिलीप क्या कर रही हो तुम? दिलीप गिव इट टू मी। अरे बिल्कुल नहीं, पैंट लो। पैंट लो, ठीक है। तब तुम यही रहो, मैं आना मत, प्रॉमिस। दिलीप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, पैंट उतार रहा हूँ। जल्दी ओके, हाँ बस हो रहा है, जल्दी करो। ये लो ये लो। अरे अरे क्या कर रहे हो? ये क्या हाल बना रहे हो? जा अरे जा यहाँ से। पहली बार है इसीलिए तो इतना शर्मा रहा है। दिलीप कैसी आवाज है? तुम्हारे दोस्त ने लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। हाँ एलकेजी से सिखाना पड़ेगा। एलकेजी से? हाँ आकर सिखाती हूँ। हाय, बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। ए उसे पैंट मत दे देना, जैसे ही तुमने पैंट दी तो वो भाग जाएगा। नहीं दूंगी, आई डोंट वांट टू लूज हिम। ना दिलीप,
यहाँ आओ तो। नहीं आऊंगा। आओ ना। ए दिलीप, दिलीप कहाँ हो तुम? दिलीप यहाँ बैठो। कैसी लग रही हूँ? तुम्हारी पैंट है। ये पैंट तो मेरी है। अच्छी लग रही हूँ ना? बोलो कैसी लग रही हूँ? नो नो, नॉट नाइस, नॉट नाइस एट ऑल। मुझे वापस दो, मुझे वापस दो। मेरा पर्स उस पे है, मेरा आईडी कार्ड उस पे है। तुम्हारा आईडी कार्ड मैं खा नहीं जाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे वापस चाहिए। अरे ये नहीं, मुझे वापस चाहिए प्लीज। अरे मुझे वापस दो। नहीं नहीं कैश प्लीज, मेरी पैंट वापस दो। नहीं नहीं प्लीज प्लीज, अभी अभी मुझे चाहिए। चिल्लाओ मत, शांति से बैठ जाओ। हेलो हेलो मैडम, अरे मैडम, अरे बाहर आइए ना। अरे मुझे मुझे पैंट दीजिए ना। अरे देखिए मुझे बहुत शर्म हो रही है, आपको नहीं हो रही होगी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। अरे अरे मैडम, अरे क्या यार, मुझे पागल करके छोड़ोगी आप? अरे मैं आऊँ क्या मैडम? हेलो बाहर आओ। अरे मैडम आपने भी क्या करती हो आप, शर्म नहीं आती आपको? देखिए देखिए मुझे बहुत शर्म आ रही है। अरे रे रे रे, हरिओम हरिओम, अरे यही पहन लेता हूँ, कम से कम कुछ तो होगा। अरे क्या हालत कर दी मेरी, मैं कहाँ जाऊँ? मैडम मेरी पैंट दीजिए, बहुत अटंकी हो गई। देखिए मुझे घर जाना है, इसके लिए नहीं आया था मैं यहाँ पे। Beep, 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 beep
सारे घर की तलाशी लो। यस सर। एम्बुलेंस को बुलाए क्या? जी हाँ। टू कॉट्स जी, वन बॉटल जी। अच्छा, मॉर्निंग। रात को किसी ने असली एम्बुलेंस के लोगों को मारकर नकली एम्बुलेंस में डेड बॉडी को अगवा किया है। एम्बुलेंस असली है या नकली है यह भी चेक नहीं किया तुमने। कितने लापरवाह इंसान हो, बड़े ऑफिसर को कौन जवाब देगा? यहाँ के सारे फिंगरप्रिंट्स को चेक करो, कोना कोना छान मारो, कुछ मत छोड़ो। कायदे से देखो। हरी अप, हरी अप। क्या हुआ? बेल बज रही है, कोई उठा क्यों नहीं रहा? बोला था नहीं जाऊंगा, फिर कांटेक्ट करता हूं। सर, मुझे देखने से पता चल गया था कि वो सही आदमी नहीं है, मेरा शक सही निकला। देखने में कैसा था? देखने में तो अच्छा है, हीरो ऐसा लगता है, पर विलेन जैसा काम कर गया सर। ट्रेस आउट द कॉल। दिलीप दिलीप क्या कर रहे हो? उसे मालिश करवाते ही तुम ऑफिस आने का रास्ता भूल गए क्या? जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारा काम तो हो गया ना। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ पूछते हो? जरूर पूछोगे बेटा, जरूर पूछोगे।
मेरे बताए हुए पते पर जाकर मालिश करवा के तुम मुझे भूल गए और पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं पुलिस कमिश्नर हूँ। बताता है कि नहीं? मैंने ही अपनी शामत बुलाई थी और उसे काट दिया था, मगर उसको उनसे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं। दिलीप ने मुझे बचा दिया। भगवान, मेरे भाई की रक्षा करो, उन्हें संकट से बचाओ। भगवान, सिर्फ तुम ही उसकी रक्षा कर सकते हो। भगवान, मुझे आप पर बहुत विश्वास है। इस बहन की प्रार्थना को, मेरे भाई का जीवन सिर्फ आपके हाथों में है, सिर्फ आप ही उन्हें बचा सकते हो। प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरे भाई की रक्षा करो। हे प्रभु, मैं आपके पास आई हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी रक्षा करो। कोई मेरे भाई के पीछे पड़ा हुआ है, आप पालनहार हो, मेरी रक्षा करो। आप जब उस दिन मेरे घर आए थे, तब आपने मुझे अपनी बहन कहा था, शायद वो सब आपके लिए अल्फाज होंगे। लेकिन उस दिन से मैं इतनी खुश हूं कि आपको बता भी नहीं सकती। मैं राधा, हेलो, ठीक है, मैं आती हूँ। बैठिए, आप बैठिए। माँ बहुत सीरियस है, अस्पताल से फोन था, मैं जाकर देख कर आ जाती हूँ। आप यहीं रहिए, अगर टेलीफोन बजे तो उठाइएगा मत, और कोई दरवाजे पे आए तो खोलिएगा मत। ये लीजिए चाबी। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। एक्सक्यूज मी। यस। मेरी माँ की तबीयत कैसी है? तुम्हारी माँ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ से फोन आया था कि वो सीरियस है। सीरियस? फोन हो ही नहीं सकता, तुम्हारी माँ तो एकदम ठीक है। हाँ।
ये शख्स है ओबेराय, हमारे मुल्क में बिजनेसमैन की शक्ल में ये स्मगलिंग करता है। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका जैसे मुल्कों में भी इसका कारोबार है। देश विदेशों में कीमती हीरे इसके जरिए स्मगल किए जा चुके हैं। इस शख्स के बारे में अगर किसी भी शख्स को कोई भी सुराग मिले तो जल्द से जल्द पुलिस को इत्तला करें। हमारे नंबर्स हैं 984-11-22-603, 984-00-84-004
0443107615। सर, राधा के लाश को ठिकाने लगा दिया। मैं मौत का शहंशाह हूं और जिंदगी मेरी गुलाम है। आज के बाद अगर किसी ने तुमसे पूछा कि तुम्हारा भाई है तो कहना कि हाँ है, आज से मैं तुम्हारा भाई हूं। एक विशेष समाचार, ये फरार कातिल दिलीप है। इस कातिल के बारे में कोई भी सुराग देने वाले को 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस कातिल के बारे में कोई भी सुराग आपके पास है तो तुरंत हमें कांटेक्ट करें। हमारा नंबर है 2362385555 और 2853125257। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं दिलीप बोल रहा हूँ। दिलीप, तेरी हिम्मत कैसे हुई फोन करने की? देखिए सर, मेरी बात तो सुनिए। ऐसे क्या बात करूंगा, रख दे फोन। रख मत, पुलिस पुलिस। दिलीप, तुमने मुझे अच्छा सिला दिया है, याद रखूंगा मैं। थैंक यू स्वीटी। गुड मॉर्निंग सर, एक खुशखबरी, उस मॉडल लड़की के खून का इल्जाम भी दिलीप के सर आ गया।
मिस्टर गंगाराम। यस सर। दो खून करके फरार फोटोग्राफर दिलीप ने अपने खत के जरिए बयान दिया है कि उसके मुताबिक एम्बुलेंस और विक्टर नाम का ये आदमी ही उस कत्ल की वजह है। सर, सुना है कि पुलिस ने उस दिलीप की बात मानकर विक्टर के बारे में तहकीकात करने जा रहे हैं। पैकअप कर दे। ठीक है सब, आज से दिलीप की सांसें बंद। दिलीप की नहीं, विक्टर की। क्या बस? मैं मौत का शहंशाह हूँ, जिंदगी मेरी गुलाम है। शायर तो नहीं,
मगर ये हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। हाँ लेके आजा, साले के लिए कब्र तैयार है, आजा 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 बेटा, आजा आजा, तेरे लिए कब्र तैयार है। हाँ अब यहाँ तुझे आराम की नींद सुलाता हूँ मैं। ये तेरी जगह, हाँ ये ले। आप बोल, मुझे मारना क्यों चाहता था, बोल बोल बोल। नहीं बोलूंगा। हे अभी बेगुनाह जेल से आ रहा हूँ, अब सच में क्यों खून करवाना चाहता है, बोल रहे। अरे आप चुप रहिए ना, आप ऐसा करिए जाके कील हथौड़ा लेके आइए, ये तभी बताएगा। क्यों, ताजमहल बनाने वाले हो क्या आप, जा रहे हैं नहीं? तो तू फंसा बेटा, आप बता किसने भेजा था तुझे मुझे मारने के लिए, बोल बोल। ये ले, ये डाल दे, ये हुई ना बात, लाइए। आपने बताएगा क्या, इसे मारूंगा तो पता क्या हो जाएगा, भेजा बाहर आ जाएगा, चील कहूं की चांदी हो जाएगी, पता नहीं उन्हें पसंद आएगा या नहीं। पता है ना, अब बता। बोल रे। नहीं बताएगा। बोल। ओबेरॉय, ओबेरॉय, ओबेरॉय। ओबेरॉय वो कौन है? वही जो नाक पर चश्मा लगाकर सफेद सुअर सा दिखता है, वही है ना ओबेरॉय? चुप। ए, इसे देख, मरते मरते भी ये मालिक की वफादारी कर रहा है, और एक तू है। आप चुप रहिए सर। बता इतनी औरतों को क्यों मार रहा है वो, बोल। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ठीक है, वो तो मैं मालूम कर ही लूंगा, आप इसे पुलिस स्टेशन ले जाइए। हमेशा दवा, खाना, टॉनिक, क्या मैं तुम्हें बूढ़ा लगता हूँ? इस दवा ने आपकी उम्र की तरह आपकी बीमारी को भी छुपा रखा है, चलिए मुंह खोलिए। डॉक्टर ने दवा खाने से पहले कुछ लेने को कहा है, आ जाओ नीचे। सुनिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो पूछो। आपका विक्टर के बारे में क्या ख्याल है? आ,
मेरे लिए जान गंवाने वाला एक वफादार नौकर बेचारा जो एक एक्सीडेंट में मर गया। वो एक्सीडेंट नहीं था। तो वो खून था। ऐसा क्या? हाँ। तुम्हें यकीन है? जी हाँ। ऐसी कल शाम को जब विक्टर और प्रेम शराब पी रहे थे तब विक्टर के लिए एक फोन आया था। तभी प्रेम ने चुपके से विक्टर के गिलास में कुछ मिला दिया था, शायद वो जहर था। और यही नहीं सर, आपकी जानकारी के बिना यहाँ और बहुत कुछ हो रहा है। एक रात जब आपको दवा देने आई थी तब मैंने खिड़की से एम्बुलेंस को देखा, वही एम्बुलेंस जो आपने गरीबों के लिए ली है। कुछ लोगों ने उसमें से एक लड़की की लाश निकाली, फिर उस लाश को फाड़कर उसमें से कुछ निकाला, पता नहीं क्या था, फिर उसने उसे किसी को दे दिया। वो कौन था मैं जानती नहीं। अच्छा, तुम क्या सोचती हो कौन हो सकता है? जरूर वो इंसान नहीं हो सकता, हैवान होगा। कल सिलोन से जो डांसर शारदा आ रही है, मैं उसके जिस्म से भी हीरे निकालने वाला हूँ, और ये सब काम मैं ही करता हूँ। अब बताओ, मैं इंसान हूँ या हैवान? मेरा राज जो जान जाता है वो फिर जिंदगी जीने का मोहताज हो जाता है। तुम्हारी माँ कायम है, मैं तुम्हें मारूंगा। मुझे मत मारिए सर, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मत मारिए सर, नहीं, आपसे विनती करती हूँ, मुझे मत मारिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मेरी बात मान लीजिए सर, मौत कर मुझे छोड़ दीजिए, मैं मरना नहीं चाहती, जिंदगी मेरी गुलाम है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, नहीं। अंधेरी में जब तक सुराख है सुर निकलती रहेगी। मुझे जाने दीजिए। शिकारी के पास शिकार खुद चला आया। मुझे बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ। अपने हाथ से मरोगी या मेरे हाथ से? Come on, baby, up. कोई है? बचाओ। बचाओ। बचाओ, बचाओ मुझे, मुझे बचा लो, बचा लो, बचाओ मुझे। कमरा साफ कर दो। Thank you.
आओ बरखुरदार आओ, शायद अब तुम ओबराय के इतिहास से वाकिफ हो गए होगे। ओबराय? मिस्टर ओबराय, ओके? सर, कल शाम की फ्लाइट से शारदा सिलोंग से यहाँ आ रही है सर। जब शारदा एयरपोर्ट से आए तो पूरी पुलिस हिफाजत में आए, हमारी पुलिस। What do you mean? तुम्हें मेरी जान चाहिए या वो हीरा? हीरा चाहिए ना, चाहिए ना? शारदा के बदन में छिपाया गया हीरा मेरे पास है ओबराय। क्या? सॉरी सॉरी, अब मैं तुम्हें तू भी कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास वो हीरे हैं जो कई लाख रुपए के हैं, तुम्हारी मेहरबानी से। इजी इजी, बैठ जाओ, बैठो बैठो, सिट डाउन। तुम झूठ बोल रहे हो। इट्स ओके इट्स ओके। शारदा का अमेरिका जाना, स्विमिंग पूल में गिरना, उसका ऑपरेशन, मैं सब जानता हूं, समझ गए ना? शारदा को सिलोन से आने दो, सच और झूठ में कितना फर्क है पता चल जाएगा। तब तक के लिए टेक हिम अवे। अगर शारदा के जिस्म पे एक भी खरोच आई, समझो तुम्हारे हीरे गए। शारदा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अब उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़का यह खूनी निकलेगा। कल जब शारदा आएगी तो उसकी नजरों से बचा कर रखना पड़ेगा। हेलो, अनंत राम स्पीकिंग, पुलिस इंस्पेक्टर कृष्णा बोल रहा हूँ। कैसे भी करके मेरी बच्ची को बचा लो। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी बेटी को लाने के लिए पुलिस का सारा बंदोबस्त हो चुका है, बस हमें आपकी मदद की जरूरत है। थैंक यू। Carry on.
Don't shoot him! No! I'll kill you! No! 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 मैं दिलीप बोल रहा हूं। हेलो हेलो दिलीप 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 कहां हो तुम? हेलो हेलो दिलीप, मुझे दो, दिलीप मुझे दो, मैं बात करता हूं। हेलो दिलीप, हाँ मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। हाँ सर, हाँ एयरलंका फ्लाइट में ओके आने वाली शारदा को अगवा करने का प्लान बनाया गया है। शिलोंग से शारदा आ रही है, उसे नकली पुलिस अगवा करने वाली है। इसका मतलब दिलीप एयरपोर्ट के पास ही होगा। चलो एयरपोर्ट को घेर लो। मैडम, दिलीप के बारे में आपको पता है, हमें उसकी तलाश है। मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप उसे केयरफुल रहिए, प्लीज। डैडी, बेटी। अब तक उसने दो खून कर दिए बेटी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो खूनी हो सकते हैं डैडी, मगर शारदा बेटी, अब हमें उस खूनी से कोई मतलब नहीं रखना है। सर देर हो रही है, अच्छा होगा हम लोग यहाँ चलते हैं। चलो बेटी। Oh!
छोड़ो मुझे। सर सर, वो मेरी बेटी को अगवा करके लेके जा रहा है सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि असली पुलिस कौन है, नकली पुलिस कौन है। आप फिक्र मत कीजिए, हम सब देख लेंगे। शारदा मेरी बात सुनो, शारदा प्लीज, शारदा मुझ पे भरोसा करो प्लीज, शारदा शारदा प्लीज, मुझे उतरना है प्लीज, प्लीज गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो? दिलीप मेरी बात मारो, दिलीप मेरी बात मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो दिलीप, गाड़ी रोको दिलीप, मुझे उतरना है, गाड़ी रोको, कहाँ जा रहे हो दिलीप, गाड़ी रोको, दिलीप नहीं, मेरी बात मानो, गाड़ी रोको दिलीप। Thank you.
हेलो दिलीप, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हेलो 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 सर, कंट्रोल रूम। हेलो 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 सर, सर हेलो हेलो सर, मैं दिलीप बोल रहा हूँ सर। मैं नहीं जानता हम कहाँ है सर। यहाँ पे सैकड़ों कुत्ते हमें खा जाएंगे सर। प्लीज हमारी मदद कीजिए, हेल्प हेल्प अस सर प्लीज। हेलो हेलो कंट्रोल रूम, प्लीज हेल्प अस सर, सर हमारी मदद कीजिए। दिलीप तुम अभी कहाँ हो? क्या शारदा तुम्हारे साथ है? हाँ मैं यही हूँ, प्लीज हेल्प अस। हेलो, मैं शारदा बोल रही हूँ। हमें कुछ लोगों ने घेर लिया है, प्लीज हेल्प अस। हमें जल्दी जाना पड़ेगा, चलो तैयार करो जल्दी, चलो। ओके सर। कंट्रोल रूम कॉलिंग एयर फोर्स डिपार्टमेंट, कंट्रोल रूम कॉलिंग एयर फोर्स डिपार्टमेंट। Thank you.
मैं मौत का शहंशाह हूँ, जिंदगी मेरी गुलाम है। क्लिक क्लिक क्लिक।